एजुकेशन पे बात हो रही है। आप देखो अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है काश पढ़ाई जो होती प्यार की तरह होती अपने आप हो जाती, और मैं कहता हूं काश प्यार जो है वो पढ़ाई की तरह होता, पेरेंट्स मार मार के करवाते, नंबर मिलाओ। अच्छा मेरे मेरे मोबाइल से मिलाओ, बात करो बात करो, गंदी बातें करो, जाओ वॉशरूम जाओ। हाँ ये सारी चीजें होनी है, जाओ वॉशरूम जाओ, मुंह धो जाके सो जाओ। यार मैं एक है मेरा। अच्छा यार मैंने सुना ये कुछ लोग इतने चीटर हैं, ये ईद वाले दिन बाहर से ताला लगा के अंदर होते हैं। करते करते ये नया फॉर्मूला, ये तो बहुत पुराना तरीका। लोग ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, जिनके दो दरवाजे होते हैं ना पीछे गंदी गली से भी निकलता है, उधर से ताला लगाया पीछे से वापस आया अंदर। यार ये आपस की बात है, हमने हमेशा चाहा कि हमें दो दरवाजे वाला घर मिले, नहीं मिला, नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं क्योंकि तेरी नीयत साफ नहीं है। अच्छा हमारे दोनों एक ही दरवाजे पे उधम मचाया। मेरे आप लोग से एक सवाल है, आप तीनों जीनियस लोग बैठे हैं, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। मेरा सवाल ये, ये बताइए साबुनदानी में साबुन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है, मच्छर क्यों नहीं होता, बरकत होता है। आप लगाते हैं मच्छरदानी, मच्छर काटता है आपको? हाँ? मच्छर काटता है, डंग मार के जाते हैं रात को। मच्छर को तो बहुत अच्छे मौके मिलते हैं भाई काटने के। इनके घर में तो मच्छर जो है मक्खी के कपड़े पहनकर आते हैं, यूं कहिए समझ रही मक्खी है, मच्छर होते हैं मार के चले आते। लेकिन उन्होंने एक बात की, आप लोगों ने गौर नहीं किया। क्या उन्होंने कहा मच्छर को बहुत अच्छे मौके मिलते हैं मुझे काटने के लिए। वाह यार ये मच्छर, मैं इन्होंने मच्छरों का पैकेज कराया हुआ है।